इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम काज गरीबे को आतुर, भगवान के काम को करने के लिए श्री हनुमान जगदम आतुर मने व्यग्र रहते हैं। कोई काम बताओ। देखिए कोई भी कथा होती है तो पहले क्या लगता है, भूमि पूजन है के एक कपित ध्वज लगता है हनुमान जी महाराज का। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कहे हनुमान जी महाराज ऐसे विचित्र देव हैं कि देवराज इंद्र भी घबरा था। सूर्य नारायण गुरु महाराज हैं, वो डरा था कि कहीं जलवा बिगड़ न जाए, अति ताप भी नहीं होगा, वृष्टि भी नहीं होगी। ओ पवन देव तो बाबू जी हैं, क्या पूछना है, चकाचक मामला। श्री हनुमान जी की पहली प्रतिष्ठा होती है, जहां भी भगवत कथा होती है पहले कपित ध्वज हनुमान जी महाराज का गढ़ता है, पूजन हो भूमि का और लड्डू बढ़ता है। किसका? श्री हनुमान जी का प्रसाद। यहां भी हुआ होगा, राम कार्य है ना, तो राम काज राम जी के सेवक को समर्पित हो गया, अब हनुमान जी संभालेंगे। हनुमान जी कौन है? राम काज करिबे को आतुर। अब राम काज पूर्ण हो जाएगा और ध्यान रखिएगा, राम काज सब नहीं कर सकते, जिस पर राम जी कृपा करें वही कर सकता है, सबके बस का नहीं है, चाहे जो कर लेगा नहीं। जब सरकार टेलीविजन पर कथा आती है ना तो बताता है भैया हमारा अवधेश की भाई साहब बहुत फोन आते हैं कथा करानी है, मैं कहता हूँ कथा सुनो आप, कराओ नहीं, सुनो बस, खूब सुनो कथा। क्या कथा तो हो ही रही है ना, सुनिए। क्यों? जिसको कथा करानी होती है वो ये पूछता है तिथि कौन सी खाली है। मेरे जीवन की आठवीं कथा है जिसको मैंने शनिवार से न शुरू करके बुधवार से शुरू किया, आठवीं कथा है, लिखा पड़ी में है जी। क्यों? ये भी भक्ति के भाव का परीक्षण है। इसके बाद मेरी दूसरी कथा गुजरात में थी, वो आगे बढ़ गई, सोचा गया दीपावली के दो चार दिन बाद विश्राम होगा, कथा होगी। ये भगवान का कार्य समझिए, सेवा क्या है, 6 से 14 कथा करनी है। एक बार भी मेरे बच्चे ने राम निवास ने नहीं कहा कि गुरुजी थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो अच्छा होता। क्यों? राम काज करिबे को आतुर। मैं देख रहा था एक बार तो कहे कि थोड़ा आगे बढ़ जा, नहीं, जो कृपा हो गई राम जी की वही तिथि ठीक। सेवा ये है, जो राम जी ने कृपा किया उसी तिथि में। हम लखनऊ की कथा बरसात में करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कभी नहीं कहते कि थोड़ा एक दिन इधर उधर, नहीं, जो तिथि आ गई उसी में कथा। राम काज करिबे को आतुर, सेवा ये है। हनुमान जी ने ये तय नहीं किया भाई ये सेवा में थोड़ा ये समुंदर लांघना तो कठिन काम है, बहुत दूर समुंदर है, अकेले जाएंगे, मान ले बीचे में रह गए तो दो लोग साथ हैं चलो, ये सेवा नहीं है, ये प्रमाद भरी सेवा है। अब ये भूमिका हम आपसे इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि भगवान के प्रिय अनन्य, अनन्यतर नहीं अनन्यतम श्री हनुमान जी महाराज विभीषण को बता रहे हैं। विभीषण भैया भगवान जी की परंपरा है क्या, अपने सेवक पर प्रेम बहुत करते, तो विभीषण जी अपनी ओर देखने लगे, कहे कि मैं तो सेवा भी नहीं करता हूं तो मेरे पर कैसे प्रेम करेंगे। बोले आप सेवा करते नहीं है लेकिन अब आप सेवा करेंगे, अब आप सेवा
करेंगे। कब करेंगे? जब हम सेवा बताएंगे तब करेंगे। क्षमा करिएगा सरकार, आप भी क्षमा करेंगे। देखिए, जैसा खावे अन्न, आगे का बोलो। हाँ, थोड़ा बोला करो, हम प्रवचन नहीं करते, हम कथा सुनाते हैं। कहत सुनत, हम भी कहें आप भी कहो। जैसा खावे अन्न, हाँ वैसा होवे मन। जैसा पीवे पानी, वैसी होवे बानी। इसलिए चाय पीना बंद करो। मीठा रहो, आप पियो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप जैसा खावे अन्न, वैसा होवे। जैसा पीवे पानी, वैसी होवे बानी। विभीषण जी कल स्मरण किया था, रावण जी के मंत्री परिषद के धर्मादा विभाग के मंत्री हैं। किसके? रावण के। तो जो भैया रावण के मंत्री परिषद में सम्मिलित हुआ है, वो राम काम कैसे करेंगे? रावण कुछ गलत काम भी करेंगे तो विभीषण जी उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं से सारी सेवा आ रही है। आश्रम की व्यवस्था हो रही है, घर की पुताई हो रही है, कोष से खजाना आ रहा है, दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। कौन? विभीषण जी। जब राजा की फैसिलिटी आप भोगेंगे तो उसका विरोध कैसे करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। इसी के लिए कथा है, श्री हनुमान जी ने पहला देखिए, ये जो महापुरुष लोग होते हैं ना, इनको जब प्रणाम करो तो कोई महापुरुष तो धीरे से ऐसे आशीर्वाद देते हैं, कोई ऐसे देते हैं और कोई ऐसे देते हैं। हाँ महाराज, बड़ी कृपा भाई महाराज, अब दिन भर तो कृपा बरसेगी। महाराज कैसी करुणा बरसी है, ये क्या है? जिस पर महापुरुष बड़ा प्रसन्न हो उसको जोरदार थपकी लगाते हैं, ये भगत जी जाओ चलो भंडारे में सेवा करो, जय जय। हमने श्री धाम अयोध्या जी में देखा है, हमारे महाराज जी बड़ी राव चौधरी सरकार, अरे बड़ी दिव्य सेवा देते हैं साहब। क्या है? सेवक। सब कुछ बोध रहते हुए भी जब तक किसी संत का संग न हो तब तक सेवा स्वभाव में नहीं आती। बने रहो, पड़े रहो। संत ललकारते हैं किसको? जीव की आत्मा को। जागो, जागो। संत जीवात्मा को झकझोरते, उठो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत। स्वामी विवेकानंद का यह सूत्र है, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्त करने तक विश्राम नहीं। बस तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। असत से सत्य की ओर, प्रकाश की ओर, तम से परम प्रकाश की ओर। असत से सत की ओर गति करो और अंधकार से प्रकाश की ओर गति करो। कैसे? उठोगे तब ना। विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज भगवान की परंपरा समझाते हुए कहते हैं कि करहिं सदा सेवक पर जी। सोचने लगे कि मैं अब लंका में कौन सी सेवा करूं। देखिए, सेवा तो सब जगह सुलभ है, करने को उद्दत होइए। आपकी गली में भी भगवान की सेवा सुलभ है, करने चाहिए तो हो। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो सेवा होगी। अरे भाई, अपने द्वार पर बैठ के श्री रामचरित मानस जी को निकाल कर जोर जोर से पढ़ो ना, सेवा हो रही है। कोई ना कोई सुनवाई करेगा बैठ के, आते जाने वाले सुनेंगे। और साल दो साल जब आप रामायण जी का पाठ करते करते रह जाएंगे, कोई ना कोई कहेगा वाह भगत जी, आपकी चौपाई सुन सुनकर मैं भी घर में पाठ करने लगा हूं।
करो ना भाई, करो। कोई कोई नहा राम कथा गंगा सुगम बहि जाई मा, कोई कोई नहा श्री राम कथा गंगा सुगम बहि जाई मा, कोई कोई नहा। ब्रह्मा जी नहाए यमे विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए यमे विष्णु जी नहाए, बाबा भोला नहाए अपन डमरो बजाए माँ, कोई कोई नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरो बजाए माँ, कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बह जाए माँ, कोई कोई नहाए। सनकादिक नहाए शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए शुक जी नहाए, सनकादिक नहाए। बाबा नारद नहाए अपन मीरा बजाए माँ, कोई कोई नहाए। बाबा नारद नहाए अपन मीरा बजाए माँ, कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहि जाए माँ, कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहि जाए माँ, कोई कोई नहाए। श्री हनुमान जी ने कहा सेवक पर भगवान प्रेम करते हैं, तो यहाँ मैं सेवा क्या करूँ, यह चर्चा हनुमान जी महाराज विभीषण जी के प्रति रखेंगे। देखिए जब तक श्री हनुमान जी ने नहीं कहा तब तक विभीषण जी लंका में ही रहते हुए रावण को यह नहीं समझाने गए कि माता जी को लाए हो, सीता देउ राम कह अहित न हो तुम्हारा। सीता मैया को प्रभु को दे दो। कब कहे, जब श्री हनुमान जी ने समझाया राम काम करो, राम जी की सेवा करो, पहला यह, दूसरा मैं आ गया हूं। भगवान के कार्य में कोई लगा हो, आप न वैसा काम कर सके तो उस कार्य में सहयोग की भावना आपकी दृढ़ हो और अगले को आप प्रोत्साहित करें, यह भी राम कार्य है, यह राम सेवा है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं आ गया हूं माँ का दर्शन करने, आप मुझे माँ का दर्शन करा दो। विभीषण जी ने कहा ये तो असंभव है श्री हनुमान जी, असंभव कैसे, मैं तो करूंगा। अब आप करेंगे तो देखता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये विभीषण जी क्यों असंभव बता रहे, क्यों जानते हैं, वहाँ रावण जा सकता है या तो मैं जा सकता हूँ, जब रावण जाए तो उनके साथ में कोई चला जाए। महापुरुषों का अलग चिंतन है यहाँ कि हनुमान जी से विभीषण जी ने क्या कहा, कैसे जाओ, इसका स्मरण हम लोग कल करेंगे। और आज कथा का द्वितीय दिवस है, प्रथम दिवस राम कथा महिमा का स्मरण होता है और दूसरे दिन की कथा में भगवान शिव और माँ भगवती के विवाह की कथा हम लोग आते हैं। फिर तो राम जन्म महोत्सव, बाल लीला, धनुर्भंग विवाह आदि क्रम चलता रहता है। तो आइए हम लोग अब क्रम को प्रणाम करें और फिर भगवान भूत भावन शिव और माँ भगवती के विवाह की मधुर कथा का स्मरण करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।